नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में किया झंडो उत्तोलन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, किया गया ट्रैफिक डाइवर्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर रविवार को राज्यपाल रमेश बैस ने उपराजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडो उत्तोलन किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मुख्य कार्यक्रम में आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग को अपने घर पर ही रहकर कार्यक्रम देखने की अपील की गई। पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। इधर मोरहाबादी में मुख्य समारोह को देखते हुए रविवार को सुबह 6 बजे से दोपहर तक LPN सहदेव चौक से SSP चौक और मोरहाबादी मैदान की ओर का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। इस दौरान मोरहाबादी मैदान की ओर से सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं हुआ, पास युक्त वाहनों का ही आने जाने की अनुमति दी गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 28 नए पॉजिटिव, 34 लोगों ने कोरोना को दी मात, 217 बचे एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सर्वाधिक 10 मरीज केवल रांची से मिले, वहीं 34 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब झारखंड में 217 एक्टिव केस बचे हैं। राज्य में अब तक 347,530 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 342,176 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 2, देवघर से 3, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 2, लोहरदगा से 2, रांची से 10 और साहिबगंज से 2 संक्रमित पाए गए। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा झंडा, बोले झारखंड वासियों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार वचनबद्ध। 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण किया। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं झंडारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा उनकी सरकार झारखंड वासियों को उनका हक दिलाने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य किया जाएगा। स्वच्छ एवं नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रांची के गेतल सुद डैम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राज्य के 453 गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए 5.1 मेगावाट क्षमता वाला स्टैंड अलोन सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है। हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से राज्य में भाईचारे एवं सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा, हम सभी मिलकर अपने रचनात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण एवं सर्वांगीण विकास के लिए करें। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 33 पुलिस पदाधिकारी जवानों को दिया पुलिस वीरता पदक। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में रविवार को राज्य के 33 पुलिस पदाधिकारी जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। इसके बाद सीएम ने सभी पुलिस पदाधिकारियों जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। बता दें, मुख्यालय के आदेश पर सूची में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान रांची पहुंचे थे। वहीं सम्मानित पुलिस अधिकारियों ने कहा, करते रहेंगे सेवा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों ने कहा, वह गर्व महसूस कर रहे हैं, आगे भी राज्य और देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले अधिकारी और जवानों के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। खबर है झारखंड के कोडरमा से। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी, हुआ भव्य स्वागत। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी रविवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोडरमा पहुंची। सुबह नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कोडरमा स्टेशन पर उतरने के बाद अन्नपूर्णा देवी अपनी चराडी स्थित आवास रवाना हो गई। इससे पूर्व अन्नपूर्णा देवी के स्वागत में घंटों पहले से कार्यकर्ता और उनके समर्थक स्टेशन परिसर में जमे रहे। अन्नपूर्णा देवी के ट्रेन से उतरते ही कार्यकर्ताओं ने अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अपने आवास रवाना हो गई। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में स्कूल खुलते ही 3 बच्चे कोरोना संक्रमित, अभिभावक की बड़ी चिंताएं। झारखंड सरकार ने 6 अगस्त से राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन स्कूल खुलते ही बच्चे संक्रमित हो गए, जिसके कारण एक बार फिर सख्तियां बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार रांची के मड़वारी स्कूल के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्कूल के सभी बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। तमाम बच्चों और शैक्षणिक स्टाफ की कोरोना जांच भी की जा रही है। बताया गया कि शुक्रवार को स्कूल में इन बच्चों का एंटीजन जाँच कराया गया था। जाँच रिपोर्ट आने पर 100 बच्चों में से 3 बच्चे संक्रमित पाए गए। इसके बाद स्कूल के अन्य बच्चों को भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। फिलहाल सभी बच्चों को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के देवघर से झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने किया ऐलान, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जल्द शुरू होगी लंगर की व्यवस्था। झारखंड के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जल्द ही लंगर की व्यवस्था शुरू होगी। वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देवघर जिला मुख्यालय स्थित KKN स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन और कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, बाबा मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से थर्मोकोल और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की मुहिम एक सराहनीय अभियान है। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ पंडा और पुरोहित समाज के प्रबुद्ध लोगों की पहल अनुकरणीय है। हम सभी को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ देवघर बनाने में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि विकास की एक नई गाथा लिखी जा सके। नई नीति से झारखंड के युवाओं की नियुक्ति की राह होगी आसान। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने किए बड़े ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलजुली परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई जा रही है। विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को आत्मसात कर सरकार काम कर रही है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके। विभिन्न नियुक्ति और परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन और संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। इससे राज्य के युवाओं का सरकारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके हितों की रक्षा भी होगी। विश्व स्तर के होंगे रांची सहित झारखंड के 3 स्टेशन। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। इसमें रांची, टाटानगर स्टेशन और धनबाद स्टेशन शामिल है। जागरण ने 9 जुलाई के अंक में ही 200 करोड़ रुपए से रांची स्टेशन की बदली जाएगी सूरत शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। वहीं अब टाटानगर स्टेशन और धनबाद स्टेशन की बारी है। रेलवे बोर्ड ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। इसके तहत स्टेशन के स्वरूप को भव्य रूप दिया जाएगा, ताकि स्टेशन आने वाले दिनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका निर्माण किया जा सके। अभी करीब 30,000 लोग रोजाना इन स्टेशनों पर आवागमन करते हैं, लेकिन भविष्य में 1,00,000 के करीब यात्रियों का भार ये स्टेशन संभाल सकेंगे। आप सबको बता दूं कि विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रति स्टेशन 150 से 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। खबर है झारखंड के चाईबासा से। चाईबासा में रोड एक्सीडेंट में 2 युवक की मौत। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में पारा शिक्षक समेत 2 ने तोड़ा दम। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मनोहरपुर थाना क्षेत्र स्थित गोपीपुर गांव के डिग्री कॉलेज के पास रविवार की शाम 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पारा शिक्षक समेत 2 की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान तिरला निवासी पारा शिक्षक संजय करकट्टा और रायडी के रहने वाला निशांत चरवा के रूप में की गई है। खबर है झारखंड के घाटशिला से। घाटशिला में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। रोड क्रॉस करने के दौरान ट्रेलर ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा जख्मी। धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH 18 पर रविवार को रोड क्रॉस करने के दौरान बाइक सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाइक सवार युवक बहरा घोड़ा से जमशेदपुर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। इधर पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पहचान सीताराम हंसदा के रूप में की गई। वहीं जख्मी युवक जरियन मरांडी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक गुड़ा बांधा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। झारखंड के राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत विपक्षी नेता रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में रांची स्थित झारखंड राजभवन में शाम को एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आदि उपस्थित थे।
राज्यपाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस की पत्नी रामबाई बैस, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस कार्यक्रम में सीमित लोगों को आमंत्रित किया गया था। अब झारखंड में लगेगी किसान पाठशाला। किसानों की क्षमता के विकास के लिए कृषक पाठशाला की योजना शुरू की जाएगी। किसानों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा शुक्र पालन में दक्ष बनाकर उनकी आय में वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।